हेलो फ्रेंड्स, अनूठी में आपका स्वागत है। आज अर्जुन और धर्म युद्ध की अपनी आगे की कड़ी में भाग 61 से यानी 61 से मैं आगे आपको शेयर कर रही हूँ और आशा करती हूँ आपको अच्छा लगेगा। श्री भगवान कहते हैं कि जब ज्ञान प्रकट होता है तो दृष्टि भी साफ हो जाती है। किसी भी तथ्य से जब भ्रम का पर्दा उठता है तो सब कुछ साफ समझ में आ जाता है। उसी प्रकार से संसार में जीव को सदैव अपने जन्म और इस संसार से संबंध को लेकर दृष्टि भ्रम रहता है, और जब जीव उस तथ्य को जानकर खुद अपने अस्तित्व को जान लेता है कि जीव आत्मा शाश्वत है और श्री भगवान का निज अंश है और कर्म के वासना और तृष्णा से प्रेरित होने के कारण पुनः पुनः जन्म लेती है, तो इसे ज्ञान कहते हैं। और इसके बाद जब पूर्ण ब्रह्म के अस्तित्व को जान लेने का प्रयास करता है कि यदि आत्मा जो पूर्ण ब्रह्म का अंश है और इस संसार में है, तो पूर्ण ब्रह्म कौन है, क्या है, कहाँ है, कैसा है और कैसे आत्मा से जुदा है, तो ये विज्ञान है। ज्ञान का विभाजन करने से पूर्ण ब्रह्म के तत्व को जानने के लिए शरीर, इंद्रियां, तत्व और मन, बुद्धि और आत्मा के भी भीतर अंतर में जाते हुए, ध्यान में बैठते हुए भीतर अंतर आत्मा तक जाना है और फिर ये विज्ञान खुल जाता है। योगी अपने भीतर सिमटाव करके इसी ज्ञान और विज्ञान के द्वारा अपने ही भीतर आनंदित होता है, क्योंकि कोई भी प्रश्न, गिला, शिकवा, शिकायत, तृष्णा, कामना उसकी शेष रही नहीं जाती। वो नव रस में नहीं बल्कि एक ही रस में आनंदित होता रहता है। नव रस हर प्रकार के भाव से जुड़ा हुआ आनंद या भोग का रस होता है, पर जो जीव योग द्वारा हर भाव से मुक्त हो जाता है तो हर नव रस से और उसके विभिन्न आनंद या वासना के भाव से मुक्त हो जाता है और सभी भाव विलुप्त हो जाते हैं। तब रस होता है अंतर में। इंद्रियों को पी चुकी गोपी रूपी चेतना आनंदित होती है। पूर्ण ब्रह्म रूप श्री भगवान के स्वरूप से मिलकर बहुत आनंदित होती है और आत्मा रूपी राधा केंद्र में स्थित होकर श्री भगवान की अविनाशी तत्व रूप होकर एक रूप हो जाती है और ये रास संपूर्ण हो जाता है। ना स्वर्ण का मूल्य रह जाता है, ना मिट्टी निकृष्ट रह जाती है और ना उनकी कोई तुलना रह जाती है। ना पाप और ना ही पुण्य का कोई भाव शेष रह जाता है। आत्मा भी मित्रता और शत्रुता से मुक्त हो जाती है। किसी भी तरह का कोई भाव शेष नहीं बचता, केवल आनंद और मुक्ति रहती है और उसके उपरांत तो केवल अविनाशी स्वरूप ही शेष रहता है, जो सदैव अगोचर होते हुए भी शाश्वत है। भगवान कहते हैं कि योगी ही योग द्वारा अंतर में आनंद को प्राप्त कर सकता है और मुक्त हो सकता है। अब ये जानना है कि योगी कौन है, कौन होता है योगी। श्री भगवान कहते हैं कि भक्त एक गोल स्थान जो थाली के समान गोल और इतना बड़ा हो कि भक्त सरलता से बैठ सके, वो स्थान चार बालिश का हो सकता है। अब ये बात यही सिद्ध करती है कि जीव को केवल उतनी भूमि का अधिग्रहण करना चाहिए जितनी उसके ध्यान आसन पर बैठने के लिए पर्याप्त हो, क्योंकि उसे अधिक भूमि केवल तृष्णा और व्यसन के लिए ही जरूरी हो जाती है। फिर तो जीव को सबसे पहले अपने भूमि पर शरीर और मन के फैलाव को समेटना है। इस स्थान को गाय के गोबर से लीप लेना चाहिए। अब ये बात सिद्ध होती है कि गाय, जिसे गो कहते हैं, सभी इंद्रियों, देवताओं और समृद्धियों, रिद्धि सिद्धियों को धारण करती है और गाय के किसी भी अंश को निकृष्ट नहीं समझना है और प्रकृति को प्रणाम करते हुए गाय के गोबर को सर्वश्रेष्ठ संक्रमण रहित तत्व जानकर उसे साधना की भूमि को यानी अपने स्थान को शुद्ध करना चाहिए। गोबर घास जो नदी, सरोवर या पानी के किनारे उगती है वो होती है दूबा घास। तो इस तरह गाय का गोबर और फिर दूबा घास, तो और उसके सख्त तिनके होते हैं, लंबी घास के रूप में उगती है, उसका आसन बनाना चाहिए। अब यहाँ भी प्रकृति की शुद्धता और कृपा को प्रणाम करना है।
इस कुशा के आसन पर मृगशाला बिछानी है। अब यहाँ एक प्रश्न उठता है कि जीव की खाल क्यों? मृग को मारना निषेध है और मृग सबसे निरीह भयभीत रहने वाला कमजोर जीव है और तस्य करते हुए तपोवन में रहते हुए तपस्या करते हुए तपोवन में रहते हुए मृग को आश्रय देना और उसका पालन सनातन रूप में करने का विधान है, तो जब वो मृत्यु को प्राप्त हो तब उसकी खाल को प्रयुक्त करना चाहिए और यदि नहीं करना हो तो कुशा यानी धूप घास के आसन पर शुद्ध वस्त्र बिछा करके उसमें ध्यान में बैठना चाहिए। अब आवश्यक है कि मन में संन्यास धारण कर ले, हर भाव को चूर्ण कर दे, छोड़ दे, बिल्कुल बुरादा कर दे, स्थिर बुद्धि रखते हुए बंद नेत्रों में पूर्ण ब्रह्म को देखते हुए निश्चित भाव रखते हुए एकाकार होकर समस्त इंद्रियों को भीतर समेट कर शांत भाव से हर तृष्णा से मुक्त होकर अपने कानों को संसार की हर आवाज से विमुक्त करके केवल पूर्ण ब्रह्म से जुड़े हुए ध्यान में बैठना चाहिए। इस प्रकार धीरे धीरे संसार से विमुख होता हुआ योगी जीव अविनाशी तत्व को प्राप्त कर लेता है। चार बालिश की जगह रखकर आसन बनाना चाहिए योगी को। राधा स्वामी मत में सदगुरु का शब्द है, तीन छोड़ चौथा पद दीना, सत्य नाम सतगुरु गत चीना। त्रिलोकी की बाद योगी का संसार के आगे का यात्रा का संसार शुरू होता है। श्री भगवान ने गीता में गुरु रूप ने उपदेश किया है और श्री भगवान के अंतर ध्यान होने के बाद केवल गीता की ही नहीं बल्कि संपूर्ण श्रीमद् भागवत श्री भगवान के शब्द रूप में उपस्थित है और जिस प्रकार सिख धर्म के अनुयायी गुरु ग्रंथ साहब को साक्षात गुरु रूप मानते हैं उसी प्रकार श्रीमद् भागवत भी श्री भगवान के रूप में ही उपस्थित है और ऐसा जानना चाहिए और ऐसा श्री भगवान ने भी कहा है। अब शरीर आत्मा को धारण किए हैं और शरीर की ऊर्जा का पूर्ण प्रभाव बुद्धि और सोच की तरंगों पर होता है और इसलिए शरीर की ऊर्जा का नियंत्रित होना बहुत जरूरी है। जैसा कहावत है कि जैसा खाए अन्न वैसा होए मन, जैसा पिए पानी वैसा बोले बानी, जैसा कीजिए मन वैसा दीजिए दान, जैसा कीजिए मन वैसा दीजिए दान, जैसी करे जुक्ति वैसी होए मुक्ति। यही बात है कि ऊर्जा का स्रोत सही और सात्विक हो जिससे शरीर में ऊर्जा भी सात्विक हो। मन शरीर और बहुत तेज पदार्थ का सेवन नहीं करना चाहिए क्योंकि गर्म गुण वाला और मांस या तामसिक से भी भरा हुआ भोजन, खुशबुओं से भरा हुआ भोजन शरीर को के लहू को अपने ही प्रकार की ऊर्जा देता है और उसकी महक ध्यान नहीं लगने देती। ध्यान में बैठने के बाद वैसा ही बुद्धि हो और भाव आएगा और इंद्रियों को वैसे ही चाह होगी और मन चित चंचल होगा और शरीर एक स्थान पर निश्चल नहीं बैठ सकेगा। फिर दूसरी बात है कि भोजन जरूरत से कुछ कम करना चाहिए, मात्रा कम होनी चाहिए। दो ग्रास की जगह बाकी रहे तो स्थान वायु को लेना होता है, तो वायु के लिए स्थान छोड़ करके दो उंगल का फासला तो प्रभु और भक्त के मध्य में रहता ही है। इसी तरह दो कौर का जगह रखनी चाहिए वायु के लिए, तो भगवान के मध्य में जो हमारा हमेशा दो उंगल का फासला है वो हमेशा रहता है। ये संसार है, संसार के बीच और हमारे बीच प्रभु की ये दूरी बताता है। जब यशोदा जी श्री भगवान को औखली से बांधने का प्रयास कर रही थी तब माता कितनी भी बड़ी रस्सी करती जाती थी पर श्री भगवान बाल कृष्ण को बांधने में हर बार दो उंगल रस्सी कम हो जाती थी और ये दो उंगल का फासला ही रह जाता है और यही दो ग्रास की जगह योग समाधि में भी पेट में रखनी चाहिए जिससे आगे बढ़ सके और वायु अपना स्थान ले सके और पेट न फूले भोजन के कारण और स्थूलता न हो। स्थूलता आलस्य और निढालता को दावत देती है। ध्यान में बैठते समय शरीर बुद्धि मन चित शांत और हल्का होना चाहिए। पैरों में हर वक्त जूता नहीं पहनना चाहिए क्योंकि जब चलते हुए तलवे के नीचे से संवेदना बिंदु तपते हैं तो बहुत सीधे शरीर के अनेकों भागों को ऊर्जित भी करते रहते हैं। यदि कोई जीव पैर के नीचे आए तो महसूस होता है और सचेत कृपा हृदय हो जाता है। कृपालु हृदय वही रोक देगा कि कोई जीव आपके पैरों के नीचे आकर कुचल तो नहीं रहा है और संवेदना जागेगी, इंसान संवेदनशील रहेगा। नीचे की ओर दृष्टि रखते हुए विनीत भाव रखते हुए चलना चाहिए भक्त को जिससे स्वयं अपने मार्ग को निष्कंटक कर सके और
देख सके, जिससे उसके पीछे चलने वाले को भी वैसा ही सुपथ प्राप्त हो सके। स्वयं को अहंकार की ऊंचाई की को देखने के से बचाने के लिए हमेशा नीचे देखकर चलना चाहिए, विनम्रता का सूचक है। और स्वयं को गर्त में गिरने से बचाने के लिए भी नीचे देखते हुए चलना चाहिए। योगी भक्त को केवल जागना ही श्रेयस्कर नहीं है, बल्कि प्रभार का प्रथम प्रहर और रात्रि का अंतिम प्रहर जागना जरूरी चाहिए, और उस शांत वातावरण में ध्यान करना चाहिए। यानी जब जीव का उषा काल होता है, यानी जन्म से लेकर के किशोरावस्था तक, जब दिमाग का और शरीर का सबसे तेजी से विकास होता है, तब जागना चाहिए। और अपने विकास के समय काल में ऊपर कहीं गई सभी बातों का निर्वाह भी करना चाहिए, और सुचारू रूप से निर्वाह करना चाहिए। और जब जीव के जीवन की रात्रि का काल हो, यानी मृत्यु का काल हो, तब ऊपर कही गई सभी बातों का निर्वाह करना चाहिए। अब ये बात सामने आती है कि जीव जब जन्म ले चुका, तब उसी काल से मृत्यु का काल भी शुरू हो जाता है। तो इसका मतलब है कि पूरे जीवन काल में ऊपर कही गई बातों का पालन करना चाहिए और ध्यान में सदैव रहना चाहिए। इससे जीव का चित्त शांत रहेगा और विचारों में स्थूलता नहीं रहेगी और न ही तामसिकता रहेगी, और नियंत्रित बुद्धि, सोच, भाव, शरीर, इंद्रियां दुखों को का कारण नहीं बनेंगी, और यही दुख को नाश करने वाला दुख नाशक योग है। श्री भगवान कहते हैं कि जीव ध्यान में बैठता है तो शरीर, मन, इंद्रियों को हल्का रहना है और साथ ही शांत रहना है। अब शांत रहने के लिए मन को वासना और भाव से और किसी भी रिएक्शन से अलग रखना है, तुरंत रिएक्शन से दूर होना है। अब अगर भाव पर नियंत्रण रखना है तो तृष्णाओं पर, लोभ, महत्वाकांक्षाओं पर, अहंकार पर, उत्तेजनाओं पर नियंत्रण आवश्यक है। प्रारंभ में इतने नियंत्रण में परेशानी होती है और संसार की ओर खिंचाव होता है, पर निरंतर नियंत्रण करते हुए, सामंजस्य बैठाते हुए एकांत में बैठकर ध्यान करना चाहिए। संसार में सांसारिक तृष्णाओं और मेले के मध्य शोर शराबे में रहते हुए ध्यान लगाना उतना ही दुष्कर है जितना तेज हवा में दीपक को अपनी जलती हुई लौ को संभालना दुष्कर हो जाता है। तब तेज आंधी तूफान आते हैं या तेज हवा चलती है तो दीपक की लौ डगमगाती है और उसके माध्यम से आसपास हो रहा प्रकाश भी डगमगाता है, और अंधकार में वो लौ कुछ भी मार्ग प्रशस्त करने में असमर्थ रहती है, क्योंकि उसका प्रकाश अपना तेज खो देता है और अस्थिर रहता है और डगमगाता है। बस उसी प्रकार जब जीव संसार की तृष्णाओं, वासनाओं, लिप्साओं, अहंकार, लोभ, मोह, ईर्ष्या के अंधकार में खड़ा होता है और इन सब के साथ ध्यान लगाने का प्रयास करता है, तो वो उस दीपक की कमजोर लौ की तरह ही काम करता है और कम प्रकाश का विस्तार कर पाता है और बहुत जल्दी निरंतर डगमगाते हुए अस्थिर रहता है और ध्यान लगाने में असमर्थ रहता है और बार बार संसार की ओर, शोर शराबे की ओर तेज हवा एकाग्रता को दिगा देती है। जैसे कबीर दास जी ने भी कहा है, सुने मंदिर दिया जला के आसन से मत डोल रे, तो हे पिया मिलेंगे, घूंघट के पट खोल रे, तो हे पिया मिलेंगे। एकांत में बैठकर पूर्ण एकाग्रता से ध्यान लगाने से धीरे धीरे अंतर में सिमटाव होता जाता है और विचारों, भावों की तरंगों के आवेग पर भी नियंत्रण होता जाता है। संसार और ध्यान एक साथ नहीं चलते, क्योंकि संसार एक आडंबर मन, चित्त, बुद्धि और आत्मा की स्थिरता और एकाग्रता में बाधक होते हैं, और ध्यान श्री भगवान से एकात्मकता का माध्यम है और इस शांत वातावरण में शांत शुद्ध हृदय, चित्त, मन, बुद्धि, इंद्रियों, शरीर को समेटते हुए ध्यान में बैठना और शरीर से अंतर से विलग होते हुए श्री भगवान में एकाकार होना और आनंद लेना ही योग संसार है। जीव जब भी अपने अंतर में जाएगा तो खुद ही एकांत की चाहत होने लगती है। जब संसार और संसारिक भीड़, तृष्णा, आकर्षण, रिश्ते, नाते और उससे जुड़े सच, दुख, हर्ष, विषाद, झूठ, फरेब, लाभ, हानि से उत्पन्न होने वाली उत्तेजना जीव को शांत रहने में और
प्रत्युत्तर देने में बाधक होती है और जीव ना चाहते हुए भी अपने लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या मद काम क्रोध पर नियंत्रण नहीं रख पाता है और जल्दी से रिएक्ट कर देता है और जरूर रिएक्ट करता है और कुछ ही देर को सही पर उसके अंतर में हलचल जरूर होती है। तो इससे बचने के लिए जरूरी है कि जीव सर्वप्रथम खुद को मुक्त करे, चाहे थोड़ी देर के लिए ही सही, पर आरंभ में एकांत में ध्यान में अवश्य बैठे और ये आदत डाले। अंतर में कोई भी बात हो उसे जितनी जल्दी हो अंतर से ऊपर तक मुक्त हो जाए और उसको निकाल दे। उसकी क्रिया मानस में करता रहेगा तो वो अंदर मथती रहेगी, तो उसकी क्रिया को अंतर मानस में करना बंद कर दे और अंतर में उसका विचार ना करता रहे। और प्रयास ये हो कि अंतर में विचार भी करते हुए पूर्ण ब्रह्म और अपने बीच के संवाद को ही दोहराए, यानी भजन अंतर मन में करता रहे। जो जीव अंतर से विमुख रहता है और स्वयं को देह से अलग करके रखता है उसके कोई भी कष्ट दुख हर्ष विषाद नहीं होता। जैसे मृत देह में कोई दर्द शोक कष्ट हानि लाभ क्रोध मात्सर्य आदि नहीं होता, कोई भी भाव नहीं होता और न ही मृत देह कोई रिएक्ट करती है, क्योंकि देह से जुड़ी सारी इंद्रियां उस काल में निरीह रहती हैं, क्योंकि उनको चलाने वाला मन चित्त मृत है और मन को मार डालने वाली बुद्धि भी मल में डालने वाली बुद्धि भी निष्क्रिय है और बुद्धि को बल देने वाली आत्मा से शरीर से अलग हो चुकी है। तो अब यही जरूरी होता है कि आत्मा को भजन सिमरन का भोजन दिया जाए, जिसे शरीर से आत्मा तभी विलग होकर रहने लगे जब शरीर में चेतना है और चेतना के निकलने से पूर्व ही अपने अंतर में जाकर स्वयं को जान ले। और ये तभी संभव है जब चेतना बुद्धि मन आत्मा के साथ मिलकर नियंत्रित हो। इंद्रियां स्वयं कुछ नहीं करती, चेतना मन बुद्धि ही इंद्रियों को निर्देशित करते रहते हैं। ध्यान में बैठकर स्वयं को जानकर चेतना के रहते हुए ही शरीर से जो अपनी आत्मा को विलग रख पाता है वही उस स्थिति का आनंद जान पाता है और उस समय की अपनी स्थूलता से मुक्त होकर हल्केपन में वायु के समान संसार में होते हुए भी स्वयं को अदृश्य रख पाता है। इस आनंद को संत सूरदास जी ने कहा है, अभी कति गति कछु कहत न आवे जो मीठे फगुं जो मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। जैसे गूंगे को गुड़ खिलाया जाए तो उसका वो अंतर ही अंदर उसका आनंद उठाता है। योगी इस आनंद को अंतर में इतनी मगनता से महसूस करता है कि वो इसका विश्लेषण ही नहीं कर पाता और अपने अंतर में मगन रहता है। उसी प्रकार यह गति भी ऐसी ही होती है और इस तरह से संसार से मुक्त भी हो जाता है, जैसे बुद्ध हुए और भक्त प्रहलाद हुए कि जिन्हें किसी भी कष्ट का कोई आभास मात्र भी नहीं होता था, बल्कि बिल्कुल वैसे जैसे वायु का कोई स्थूल जीव लाख काटने का प्रयास करे पर वायु मुक्त अपने आनंद में बैठी रहती है। ऐसे ही योगी भक्त केवल शरीर के साथ रहते हैं संसार को दिखने के लिए, पर अंतर से वो शरीर में होते हुए भी नहीं है। और इसी के चलते संत गुरु नानक देव जी कबीर दास जी मीराबाई जी शरीर के साथ ही पूर्ण ब्रह्म में लीन हो गए। उनकी देह और आत्मा एक रूप होकर इतने सूक्ष्म हो गए कि वायु के समान पूर्ण ब्रह्म स्वरूप अविनाशी हो गए। राधा स्वामी जय श्री कृष्णा जी। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स अनूठी में विजिट करने के लिए। आज भाग 65 तक 65 तक मैं यहीं समाप्त करती हूँ और आपसे अनुमति चाहती हूँ। मैं आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा, आपको आनंद आया होगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट। राधा स्वामी जय श्री कृष्णा।